हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बाजार में मिलने वाले क्लेंजर से अपने आप को छुटकारा दिलाना चाहती हैं और होममेड क्लेंजर से अपने फेस को साफ करना चाहती हैं, तो मैं आपकी दोस्त आज आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने वाली हूँ। बाजार में ऐसे बहुत सारे महंगे क्लेंजर उपयुक्त हैं जो कि हमारे फेस को क्लीन करने का दावा करते हैं, जो कि हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन क्लेंजर में काफ़ी मात्रा में केमिकल भी मिले होते हैं। इसलिए अगर आप उन क्लेंजर से बचना चाहते हैं तो आज ही शुरू कर दीजिए नारियल का तेल एज अ क्लेंजर इस्तेमाल कर। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझी। मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगी कि एंटी बैक्टीरियल गुण और एंटी ऑक्सीडेंट से भरा हुआ नारियल तेल किस तरह से हमारे फेस के लिए बहुत अच्छा है। नारियल तेल हमारे बालों को तो अच्छा बनाता ही है, साथ ही साथ अगर हम इसे एक क्लेंजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे फेस से सारी डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देता है, सारी गंदगी को हटा देता है और हमारे फेस को एक नई चमक प्रदान करता है। नारियल तेल प्राकृतिक होता है। यह हमारी त्वचा से धूल मिट्टी हटाता है, मृत कोशिकाओं को दूर करता है, साथ ही साथ हमारे फेस को और भी ज़्यादा रेडिएंट बनाता है। जिन लड़कियों को कील मुहासे की प्रॉब्लम होती है उनके पास ये उपयोग में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी महिलाएं नारियल के तेल को एज अ क्लेंजर यूज़ करती हैं, वो इसलिए क्योंकि नारियल के तेल में भारी मात्रा में एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि उनके फेस को अच्छा तो बनाती ही है, साथ ही साथ उनके फेस का पीएच लेवल भी बराबर बनाए रखती है। नारियल के तेल को एज अ क्लेंजर इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़रूरी है इसके स्टेप्स को फॉलो करना। स्टेप नंबर 1, नारियल का तेल लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद नारियल के तेल को अपनी दोनों हथेलियों में रगड़ कर उसको इस तरह से मसलिए कि वो दोनों हथेलियों पर बराबर मात्रा में आ जाए। स्टेप नंबर 2, उन हथेलियों से अपने फेस की मसाज गोलाई में करें और मसाज तब तक करें जब तक सारा तेल आपके फेस पे सोख न जाए। स्टेप नंबर 3 है, सूखने के 10 मिनट तक उस तेल को ऐसे ही रहने दें और उसके बाद एक तौलिया लेकर उसे गर्म पानी में भिगोएं और उसके बाद उसे निचोड़ दें। निचोड़ने के बाद उस भीगे हुए तौलिए से अपने फेस को साफ करें और फिर 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। स्टेप नंबर 4 है, अंत में अपने फेस को अच्छे और साफ पानी से धो लीजिए। ऐसा करने से आपकी सारी डेड स्किन सेल्स रिमूव हो ही जाएगी, साथ ही साथ आपके फेस की सारी गंदगी दूर हो जाएगी और उसमें अंदर से निखार भी आएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी वो ट्रिक जिसका इस्तेमाल आप नारियल तेल को एज अ क्लेंजर के रूप में भी कर सकते हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।